हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, सिक्योरिटी की इस क्लास में हमारे कैनेडा से मिस्टर विनोद अग्रवाल है, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा है, मैं उसी सवाल पर वीडियो बना रहा हूँ। तो उन्होंने क्या सवाल पूछा है इसको ध्यान से देखिए और वीडियो का लास्ट तक देखिएगा, बड़ी मजेदार चीज है। तो बेसिकली उनके पास क्या है कि पेमेंट आता है और पेमेंट किसका आया किसका नहीं आया इसकी चेकिंग रखना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो उनके पास जैसे कि ये डेट है, इनवाइस नंबर है और पेमेंट है, तो उनके पास पता चला है कि उनको 250 पेमेंट आया हुआ है। अब वो ये देखना चाहते हैं कि किन किन ने पेमेंट कर दिया है। तो ये चाहते हैं कि इस तरह का नंबर पता करना जिनका सम 250 हो रहा है, ताकि पता चल जाए कि हाँ उन्होंने पेमेंट कर चुके हैं। तो कैसे करें, तो इसके लिए हम सोल्वर का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, सोल्वर। लेकिन कैसे, सोल्वर से कैसे पता चलेगा, हम 1-1 लिखते हैं, उसके बाद हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे तक ड्रैग कर देते हैं और यहां हम टोटल लगा देते हैं। फिर मैं यहाँ मेनू बार में आपके सोल्वर होता है डेटा मेनू बार में, बट सोल्वर डिफॉल्ट आपको नहीं दिखेगा, उसको लाना पड़ता है ऑप्शंस में, एड इन्स के अंदर यहाँ गो और यहाँ देखिए सोल्वर ऐड, क्लिक कीजिए, ओके कीजिएगा तो डेटा मेनू बार में आपको सोल्वर आ जाएगा। फिर सोल्वर पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको देना है, सबसे पहले तो यह था E13, ये आपको बता रहा है कि भाई आपका टोटल कहाँ पे आ रहा है। दूसरा, कितनी वैल्यू चाहिए आपको, मैंने बोला 250 जो यहाँ वैल्यू है वो देना होगा। और फिर यहाँ आप दे दीजिए कि आखिर आपको चेंज किस में करना है, जो 1-1 आपने लिखा है उसको डाल दीजिए, बट यहाँ कंडीशंस भी ऐड करने होंगे। पहली कंडीशंस की ये जो नंबर है वो लेस देन इक्वल टू 0 या 1 हो सकता है। फिर हमने इसे वापस दूसरी कंडीशन को ऐड किया और बोला कि ए जो है वो डेसिमल में नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है, हमने इंट कर दिया कि इंटीजर होगा डेसिमल नहीं होगा। दो कंडीशन हमने ऐड कर दी। उसके बाद फिर मैं सॉल्व पे क्लिक करता हूं, चला। और यहां देखिए इन्होंने क्या किया कि जिनका टोटल बनने से 250 हो सकता था उसको 1 रखा, बाकी को 0 कर दिया। अब जो वन वाले हैं, 0 वाले हैं, उसको आप हटा दीजिए कि इन्होंने पेमेंट नहीं किया है, और 1 वाले को आप रख लीजिए। तो इन लोगों ने पेमेंट कर दिया। अब 1 को आप ले लीजिए पेड, इस तरह से स्टेटस को चेंज कर सकते हैं, ये लोग इन लोगों ने पेड कर दिया होगा। हालांकि ये चीजें कुछ दिक्कत हो, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड पे करते हैं तो नहीं करता है, लेकिन हाँ अब आपको पता लगाना मुश्किल हो जाता है ना कि किसने पेमेंट किया किसने पेमेंट नहीं किया। तो अगर आपका नंबर का सम बन सकता है तो इस मेथड से आप कर सकते हैं। तो ये मेथड आप लाइव से देखिए, लेकिन सम होना चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा काम नहीं करता, बट ट्राई किया जा सकता है। इसके अलावा कोई और चांस नहीं है इस चीज को पता लगाना कि इनका टोटल क्या हो सकता है। तो इसी तरह से आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, और आपके पास भी किसी तरह के क्वेश्चंस है तो मेरा नंबर नोट कीजिए और मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या स्काइप कर सकते हैं। आप मेरे साथ लाइव ऑनलाइन क्लास जूम ऐप के थ्रू लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाइए एंड डेमो क्लास का फॉर्म भर दीजिए। अच्छा लगे तो ज्वाइन कोर्स को ज्वाइन कीजिए, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए मुझे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा अपना मोबाइल ऑन रखूंगा। ये टॉपिक अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है, अगर आप मेरे पाठशाला में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की ट्रिक्स रिलेटेड चीजें आपको मिलता रहे। एक्सेल के बारे में मैं अपनी पूरी एक्सपीरियंस आपको देता रहूं और आप लेते रहें। मेरे चैनल पे 5000 वीडियोज परे हैं जो कि एक्सेल VBA से रिलेटेड है। अब मैंने तो पावर BI और टैबलू की वीडियो डालना भी शुरू कर दिया है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें मेरी पाठशाला को, जिसका स्लोगन है कि हम यहाँ पे स्मार्ट वर्क सीखते हैं, हार्ड वर्क नहीं, क्योंकि हार्ड वर्क तो गदा भी करता है। थैंक यू, बाय बाय।